मुरादाबाद महानगर में आगामी 4 मार्च से 5 मार्च तक मुरादाबाद क्लब में चड्ढा लाइफस्टाइल लॉन टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन कराया जा रहा है। स्वर्गीय हरभजन सिंह चड्ढा की याद में लॉन टेनिस प्रतियोगिता में देश भर के कई प्रदेशों के खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे। मुरादाबाद क्लब में प्रतियोगिता को संपन्न कराने के लिए बैठक आयोजित की गई। बैठक में करणवीर सिंह, गुरजीत सिंह चड्ढा, संजीव जैन, डॉक्टर अनुराग अग्रवाल, राजीव जैन, करण दुग्गल, राहुल अग्रवाल सहित कमेटी के सभी सदस्य मौजूद रहे। सभी का यह कहना था कि इस टूर्नामेंट को यादगार बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और 17 वर्ष से लगातार ये टूर्नामेंट आयोजित हो रहा है। 18 वर्ष में ये टूर्नामेंट आयोजित होगा जिसमें सभी का भरपूर योगदान रहेगा। साथ ही ये भी बताया गया कि इस प्रतियोगिता का शुभारंभ DIG शलम माथुर और जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना द्वारा किया जाएगा। खिलाड़ियों के ठहरने और खानपान की सभी व्यवस्थाएं पूरी हो चुकी हैं। ये हमारा CLT चड्ढा लाइफस्टाइल के नाम से 17 साल से ये टूर्नामेंट चल रहा है और अब हमने तैयारी इसकी करी हुई है हर साल के जैसे। जो तो भी प्लेयर्स आते हैं उनके यहाँ ठहरने की सारी व्यवस्था, खाने की व्यवस्था और उनके खेलने के लिए अच्छे कोर्ट्स और बहुत अच्छी बॉल्स मैंने इंपोर्ट करी हैं बाहर से डनलप की। और होने जा रहा है ये 4 और 5 तारीख का रखा हुआ है हमने मार्च का। कहाँ-कहाँ के खिलाड़ी इसमें भाग लिए हैं? अभी तो फिलहाल पूरे इंडिया से आ रहे हैं, बॉम्बे से भी हैं, दिल्ली से और आसपास के शहर हैं हमारे। क्या मकसद रहता है आपको कराने का? हमारा मेन तो मकसद यह है कि इस गेम को लोग ज़्यादा से ज़्यादा खेलें। यह गेम मुझे तो बहुत ही पसंद है, इसीलिए हमने ये स्टार्ट करा था 17 साल पहले कि टूर्नामेंट कराया जाए। वो टूर्नामेंट हमारा लगातार चल रहा है और ये मैंने अपने फादर के नाम से इसके अंदर सरदार हरभजन सिंह जी के HS चड्ढा मेमोरियल के नाम से मैंने इसको कर दिया है चड्ढा लाइफस्टाइल को। क्या मकसद रहता है सर इसको बनाने का और क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए ये टूर्नामेंट जैसे अभी टीटू भैया ने बताया 17 ईयर से हम लोग रेगुलर करा रहे हैं और ये हमारा 18वां इवेंट है और इसके अंदर पूरे हिंदुस्तान से 140 से 150 बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं जिसमें हम 2 इवेंट करा रहे हैं 95+ और 105+। और इतना ये फेमस हो चुका है पूरे हिंदुस्तान के अंदर कि जब ये टूर्नामेंट की डेट फाइनल होती है उससे पहले ही लोग इतने जागरूक रहते हैं खेलने के लिए कि भाई मुरादाबाद में हम CLT का टूर्नामेंट चड्ढा लाइफ स्टाइल टूर्नामेंट जरूर खेलने के लिए आए। और इसका सारा का सारा क्रेडिट टीटू भैया को जाता है। टीटू भैया ने एक प्रयास करा 17 साल पहले और हमारे साथ बैठे हुए अविनीश रस्तोगी जो कि इंटरनेशनल प्लेयर हैं मुरादाबाद से, इन्होंने पूरा मुरादाबाद का नाम पूरे देश के अंदर फैलाया और मैं तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ अविनीश रस्तोगी जी का। और इसके अंदर हर साल हम 4 लीडिंग जो भी लोग होते हैं जिन्होंने किसी ना किसी क्षेत्र में टेनिस के क्षेत्र में स्पोर्ट्स के क्षेत्र में कुछ भी एक अच्छा कार्य करा होता है हम उनको इसमें अवार्ड सेरेमनी करते हैं और 4 इस बार लोगों को हम अवार्ड सेरेमनी कर रहे हैं इसकी जो इसमें 24 ड्राइविंग में 4th की नाइट को होगी। 4th को ये टूर्नामेंट स्टार्ट होगा मॉर्निंग 8 o'clock और 5 को ये अराउंड 4 to 5 इन द इवनिंग हम लोग प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे जिसके अंदर हमारे चीफ गेस्ट मिस्टर शलम माथुर जी जो यहाँ के हमारे DIG हैं और एक बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व वाली छवि वाले व्यक्ति हैं और साथ में हेमराज सिंह मीना जी जो हमें यहाँ के मुरादाबाद के कप्तान हैं वो दोनों लोग 10:30 और 11 के बीच में 4 तारीख को इसका उद्घाटन करने के लिए आएंगे। क्या रूपरेखा तैयार की है? जैसा करण भाई ने अभी बोला ये सारा श्रेय मुझे देते हैं लेकिन कोई भी इवेंट अपने आप संभव नहीं है। इस टीम में करण जी जो कि सारा हमारा इंतज़ाम देखते हैं, चड्ढा जी जिनकी देख रेख में सारा इवेंट होता है, इसके लिए हम ITF से सर्टिफाइड एम्पायर्स जो कि पूरा दिन लगे रहते हैं इवेंट्स कराने में उनको बुलाते हैं जो उनके द्वारा ITF इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के द्वारा सर्टिफाइड होते हैं और वो इवेंट्स भी कराते हैं। इसमें इम्पोर्टेड बॉल्स डनलप कंपनी की जैसा कि चड्ढा साहब ने बताया वो लगवा रहे हैं। ITF रूलिंग्स के हिसाब से सारा टूर्नामेंट होगा। इसके अंदर बीकानेर, जोधपुर, पूना, बेंगलोर, मुंबई, पानीपत और बहुत सारी जगह से प्लेयर्स आ रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि हमारे टूर्नामेंट्स के आगे पीछे डेट्स में 3 इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हैं लेकिन उसके बावजूद प्लेयर्स हमारे यहाँ आ रहे हैं। अभी तक हमारे पास 140 प्लेयर्स रजिस्टर हो चुके हैं जिसमें कि 18 वुमेन हैं और 112 मेन प्लेयर्स हैं। क्या बोलना चाहते हैं सर सारे खिलाड़ियों से? सर ये खेल का जो इवेंट शुरू हुआ है
जो टेनिस हम लोग खेलते हैं, इस खेल से खेल भावना भी जागृत होती है, हम सबको एक नई ऊर्जा मिलती है, एक्सरसाइज करने के हमें बेनिफिट्स हैं, सुबह उठने के बेनिफिट्स हैं। हम सभी लोगों को ये कहना चाहते हैं कि खेल सबके लिए ज़रूरी बने, और इसके लिए चड्डा जी, मिंटू भाई, करण जी सब बहुत तन मन धन से मेहनत करते हैं, जिससे सब लोगों को ये मैसेज जाए कि खेल सबसे इम्पोर्टेंट है। सर्वोपरि 18 वर्ष हो गए और ये लगातार आयोजित हो रहा है, और चड्डा ग्रुप की तरफ से इसका आयोजन होता है, और इसके मेन जो कर्ता धर्ता संचालक हैं वो हमारे अवनीश रस्तोगी जी हैं, जो इसको पूरी तरीके से इसका कार्यान्वयन करते हैं और इसको आयोजित करते हैं, और सभी लोगों का सहयोग रहता है। जैन साहब हैं, करण जी हैं, और सभी लोग इसमें सहयोग करते हैं। और इस तरह के टूर्नामेंट आयोजन होने से ये है कि एक हम लोगों में टेनिस के प्रति रुचि बनी रहती है, और दूसरे हम लोगों को प्रोत्साहन भी मिलता है, और हमें देख देख के जो नई जनरेशन है उसको भी प्रोत्साहन मिलता है। हालांकि ये सीनियर्स का टूर्नामेंट है, लेकिन इसके साथ इसके वजह से जो नई जनरेशन है, यंग बच्चे हैं, उनको भी प्रोत्साहन मिलता है। तो इस तरह के टूर्नामेंट बहुत ही लाभकारी रहते हैं, मुझे तो लगता है कि हमेशा होते रहने चाहिए, और मेरी शुभकामनाएं हैं कि हमेशा होता रहेगा। चड्डा लाइफ स्टाइल आयोजित होने जा रहा है, जिसको कराने का पूरा श्रेय यहाँ के मशहूर उद्योगपति मुरादाबाद के चड्डा ग्रुप को जाता है। इन्होंने जब इसको स्टार्ट किया था तो सिर्फ लोकल बेस पे स्टार्ट किया था, सिर्फ हमारे मुरादाबाद नगर के ही उसमें खिलाड़ी भाग लेते थे। धीरे धीरे आसपास के लोग इसमें भाग लेने लगे। आज ये इस ऊंचाई पर ये टूर्नामेंट पहुंच गया है कि जिसमें देश भर से यहाँ पे लोग भाग लेते हैं, बेंगलोर से, असम से, इम्फाल से, राजस्थान से, हरियाणा, पंजाब, अमृतसर, हर स्टेट से इस टूर्नामेंट में खेलने के लिए लोग, जो सीनियर्स के लिए टूर्नामेंट है, बेसिकली ये सीनियर्स के लिए टूर्नामेंट है, तो इसमें जितने भी सीनियर्स हैं, जितने भी स्टेट्स हैं, सभी यहाँ पर आकर लगातार यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करते हैं। और ये टूर्नामेंट हिंदुस्तान के जो प्रसिद्ध टूर्नामेंट हैं, जो